बक्सर का बेटा पाकिस्तान की जेल में। बक्सर में 12 साल पहले माँ कर चुकी थी अंतिम संस्कार। विदेश मंत्रालय के पत्र से माँ खुशी से रो पड़ी। जी हाँ, बिहार के बक्सर में 12 साल पहले जिस लापता बेटे को मरा समझकर माँ ने अंतिम संस्कार कर दिया था, उससे के पाकिस्तान की जेल में होने की जानकारी सामने आई है। विदेश मंत्रालय से यह चिट्ठी उसके घर पहुंची तो माँ के जहन में अपने बेटे की छवि उतर आई। वे खुशी से मारे रो पड़ी। माँ को अब अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार है। 12 साल पहले जब वह घर से लापता हुआ था तो उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन जब उसकी कोई सूचना नहीं मिली तो उसे मरा हुआ समझ लिया। पूरा मामला बक्सर जिला के खिलापतपुर का है। युवक का नाम छवि मुसहर है। विदेश मंत्रालय से उपस्थित थाना में उसकी पहचान के लिए कुछ पेपर आए थे। छवि ने पाकिस्तान के प्रशासन को अपने माता पिता, गांव और पड़ोसियों का नाम सही बताया है। वह कैसे पाकिस्तान पहुंच गया, इसको लेकर लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस के बुलाने पर थाने पहुंचे परिजनों ने युवक की तुरंत पहचान कर ली। परिजन अचंभित भी हैं कि जिस शख्स के मिलने की आस छोड़कर अंतिम संस्कार कर दिया था, वह अब भी जिंदा है, लेकिन अफसोस कि वह पाकिस्तान में है। जी हाँ, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा नगर पंचायत स्थित खिलापतपुर की दलित बस्ती में सैकड़ों परिवार मेहनत मजदूरी करते हैं। छवि मुसहर उन्हीं के बीच पला बड़ा है। उसकी शादी हुई, एक बच्चा भी है, लेकिन एक दिन दलित बस्ती से वो अचानक लापता हो गया। बड़े भाई, पिता और आसपास के लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी छवि का कोई अता पता नहीं चला। छवि कुमार के बड़े भाई रवि कुमार ने कहा कि छवि जब लापता हुआ था तब उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। हालांकि इसकी सूचना थाने में नहीं दी गई थी, क्योंकि उससे पहले भी घर से गायब हो गया था। तब वह कुछ दिन के बाद घर लौट आया था, लेकिन इस बार लंबे दिनों के बाद भी जब घर वापस नहीं आया तो उसको मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन थाने से जानकारी मिली है कि वह पाकिस्तान के जेल में बंद है। हम लोग उसकी तस्वीर देखते हैं, उसको पहचान गए। माँ ब्रीति देवी ने अपनी भाषा में बताया कि मैंने बेटे की जिंदा रहने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन बेटा पाकिस्तान में बताया गया है। कब आएगा ये नहीं बताया। सारी बातें कहते हुए माँ की ममता छलक उठी और वह फफक कर रोने लगी। उनकी इच्छा फिर से जाग उठी कि मरने से पहले बेटे को अपने पास देखे। विदेश मंत्रालय की कागज पर बेटे का फोटो देख माँ रोती और निहारती रही। पत्नी ने लापता होने के 2 साल बाद कर ली थी शादी। जी हाँ, छवि मुसहर की शादी 14 साल पहले अनीता कुमारी से हुई थी। लापता होने के बाद पत्नी ने इसके बच्चों को भी जन्म दिया था, लेकिन 2 साल इंतजार करने के बाद वह दूसरी शादी कर ली और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शिनाख्त के लिए कल संबंधित विभाग से कागजात आए थे। इसकी पहचान हो गई है, रिपोर्ट तैयार कर भेज दी गई है। पाकिस्तान में कहाँ और कब से है इसकी जानकारी नहीं है। बाकी जानकारी इससे संबंधित विभाग ही दे सकता है। इसी तरह का खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे द न्यूज़ पथ बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।